ये क्वेश्चन ओवर हैंगिंग बीम का है, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन ओवर हैंगिंग बीम ऑफ ए बी सी इज लोडेड एज शोन इन फिगर, ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर इफ एनी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बीम है और सर्टेन लोडिंग इज गिवेन, वी हैव टू ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस बीम। ठीक है, अंडर दिस लोडिंग एंड इट इज ओवर हैंगिंग बीम, इट इज सपोर्टेड एट पॉइंट ए एंड बी एंड सी इज फ्री। यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी 4.5 किलोन्यूटन पर मीटर इज अप्लाइड ऑन द बीम फ्रॉम डिस्टेंस ए टू सी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बीम का शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, वो सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही इस क्वेश्चन में रिएक्शन आपको दी हुई है, तो रिएक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 12 किलोन्यूटन एंड 6 किलोन्यूटन। ठीक है, तो हम लोग अब शेयर फोर्स से शुरू करते हैं, वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट रिएक्शन। शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शंस लेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए और स्टार्ट टेकिंग सेक्शंस एंड वी विल निगलेक्ट राइट हैंड साइड एंड वी विल टेक ओनली लेफ्ट हैंड साइड इन टू कंसिडरेशन एंड वी विल सी वॉट इज हैपनिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन ऑफ द बीम। ठीक है, इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात, जो साइन कन्वेंशन हम लोग लेने वाले हैं इस बीम की कैलकुलेशन के लिए, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो फोर्स होगा उसको हम किस तरीके से साइन कन्वेंशन लेंगे, उसका क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दिस इज योर बीम एंड इफ यू आर टेकिंग सेक्शन लाइक दिस, लेट सपोज दिस इज योर सेक्शन एक्स एक्स, देन एट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है तो यू विल टेक इट एज पॉजिटिव। ठीक है, और इसके रिवर्स में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको आपको निगेटिव मानना है। एंड फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू स्टैंड ऑन द पॉइंट ए एंड वी हैव टू सी ओनली फोर्सेस, कि हमें फोर्सेस देखना है कि कौन सा फोर्स आपके पॉइंट ए पे लग रहा है। तो पॉइंट ए पे आपका फोर्स है एक 6 किलोन्यूटन का, जो रिएक्शन फोर्स है बस वही लग रहा है, बाकी यूडीएल तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो वहाँ यूडीएल की वजह से तो ज़ीरो है, बाकी शीयर फोर्स एट पॉइंट ए कैन बी रिटन एज 6 किलोन्यूटन एंड प्लस 6 किलोन्यूटन, बिकॉज हमने जो कन्वेंशन लिया है साइन कन्वेंशन उसके मुताबिक आपका अगर ये एक्स एक्स सेक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो उसे हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन कन्वेंशन ले रखा है। तो शेयर फोर्स एट ए 6 किलोन्यूटन आ गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि देर इज़ अ पोर्शन ए बी और ए बी पोर्शन के बीच में सिर्फ और सिर्फ यू डी एल है, तो हम कोई भी एक सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन ले सकते हैं एक्स डिस्टेंस की दूरी पे। ठीक है, इस ए बी के बीच में कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ए बी के बीच में सिर्फ यू डी एल है, तो हम कोई भी एक सेक्शन ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो मैं एक सेक्शन ड्रॉ करता हूँ, कहीं पर भी सिंगल सेक्शन, एक्स एक्स, एक्स एक्स एट डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, अब वी विल नॉट कंसिडर द राइट हैंड पोर्शन ऑफ द बीम, इस बीम को हम इस पोर्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल ओनली सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द दिस एक्स एक्स सेक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें देखना है सिर्फ। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए पे सबसे पहले खड़े होकर हम देखेंगे कि वॉट इज हैपनिंग एट पॉइंट ए, बिकॉज 1.46 किलोन्यूटन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो शीयर फोर्स एट दिस सेक्शन एक्स एक्स कैन बी रिटन एज +6। उसके बाद आप देखोगे कि यू डी एल है अप टू पॉइंट एक्स डिस्टेंस, यानी एक्स डिस्टेंस के लिए यू डी एल है। तो इतना ही पार्ट खाली यू डी एल का आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, इतना ही पार्ट आपका यू डी एल का सिर्फ इन्वॉल्व है। तो हमारा जो रिजल्टेंट अगर मुझे लिखना होगा तो मैं रिजल्टेंट इस यू डी एल का निकालूंगा, यू डी एल की इंटेंसिटी 4.5 इंटू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन यानी एक्स, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और इट विल बी एक्टिंग
एट एक्स बाई टू, यानी कि इसके हाफ पे आपका एक्ट करेगा ये, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से एक्स बाई टू और इधर से भी एक्स बाई टू होगा, ठीक है। दोनों तरफ से आपकी डिस्टेंस क्या है, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया किसका, यू डी एल का। तो यू डी एल की वजह से कितना डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, 4.5 इंटू एक्स, तो ये निगेटिव हम लिखेंगे बिकॉज इट इज़ डाउनवर्ड, तो 4.5x इज योर डाउनवर्ड फोर्स। और एक्स एक्स तक हम पहुँचे, हमने देखा कि भाई यू डी एल और 6 किलो न्यूटन के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो बस यहीं पे हम रुक गए। ये इक्वेशन हो गई आपकी किसकी, शेयर फोर्स बिटवीन सेक्शन एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स का जो शेयर फोर्स की इक्वेशन है ये है। और ये वैलिड कहाँ से कहाँ तक है आपकी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इट इज़ वैलिड, ठीक है। यानी ए बी सेक्शन में ये आपका इक्वेशन वैलिड है एंड इट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन, 4.6 माइनस 4.5x, यानी ए बी पोर्शन में लाइन बनने वाला है शेयर फोर्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से, क्योंकि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पे वैलिड है, तो मैं क्या करूँगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी कैलकुलेट करूँगा पहले इस इक्वेशन की मदद से। और मुझे पता है कि जो बी पॉइंट है वो एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर पे है, तो यानी मैं एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर इस इक्वेशन में रखूँगा और शेयर फोर्स एट पॉइंट बी निकल आएगा, तो 6 माइनस 4.5 इंटू 3, तो यहाँ से हमारा जो शेयर फोर्स कैलकुलेट होकर आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस 7.5 किलो न्यूटन, ये आपका आ जाएगा शेयर फोर्स एट पॉइंट पी, ठीक है। यानी कि पॉइंट बी से जस्ट पहले आपका यू डी एल और 6 किलो न्यूटन की वजह से जो शेयर फोर्स आएगा बी पॉइंट पे वो आएगा माइनस 7.5। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर 12 किलो न्यूटन, बी पॉइंट के ऊपर ही 12 किलो न्यूटन का एक और रिएक्शन फोर्स है, तो जब भी आपका रिएक्शन फोर्स सडन आएगा किसी पॉइंट पे, तो एक जंप मिलेगा आपको शेयर फोर्स पे, ये हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है, शेयर फोर्स में एक जंप मिलेगा, तो वो जंप होगा, वो जंप कितना होगा, प्लस 12 का, अगर ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस 12 का जंप होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, दोबारा से हम शेयर फोर्स एट बी निकालते हैं, ठीक है, कंसिडरिंग ओनली पॉइंट बी, तो बी पे खड़े हो जाते हैं, बी पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फोर्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला जो फोर्स इन्वॉल्व है बी पॉइंट से लेफ्ट में वो है प्लस 6, एज इट इज़ मैंने लिख दिया। और उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि इतना पार्ट, यानी कि ए बी पार्ट ऑफ द यू डी एल इज़ इन्वॉल्व, ए बी पार्ट ऑफ द यू डी एल इज़ इन्वॉल्व, ए बी पार्ट कितना लेंथ का है, कितने लेंथ का है, 3 मीटर का, ए बी पार्ट इज़ ऑफ 3 मीटर, यानी कि 3 इंटू 4.5, तो आपका फोर्स लग रहा होगा इस रिजल्टेंट का, इस यू डी एल का, ठीक है। और कहाँ लग रहा होगा, इस 3 के सेंटर में, 4.5 इंटू 3 किलो न्यूटन का और इसके सेंटर में, ठीक है, लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, यानी कि माइनस 4.5 इंटू 3 और एक बी पॉइंट पे आपका रिएक्शन फोर्स है 12 किलो न्यूटन का, वो तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस 12। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट पॉजिटिव 4.5 शीयर फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है। तो बी पॉइंट पे अभी जस्ट आपने देखा तो माइनस 7.5 आया, और बी पॉइंट पे दोबारा से जब हमने खड़े होकर कैलकुलेट किया तो भी तो आया 4.5, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है माइनस 7.5 और 4.5, इसका डिफरेंस क्या है, 12, यानी कि मैंने बताया था ना कि माइनस 7.5 से वो प्लस 12 की जंप लगा के 4.5 पे पहुंच गया जब आपने 12 किलो न्यूटन को और कंसिडर किया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बी का हो गया, बी के बाद हमें देखना है बी के आगे हम बढ़ते हैं। तो बी के आगे जब हम बढ़े तो मुझे बी सी सेक्शन दिखा, तो इस बी सी सेक्शन में मैं क्या करूँगा, आई विल टेक अ न्यू सेक्शन एक्स वन मान लेते हैं, और ये भी हमारा डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे ये लग रहा है, ठीक है। तो आई विल राइट शीयर फोर्स एट एक्स वन सेक्शन, इसकी इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, फिर से शुरू करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, 6 किलो न्यूटन, खाली फोर्स कंसिडर करना है आपको, ध्यान रखिएगा फोर्स 6 किलो न्यूटन, और इस बार ये 4.3 नहीं होगा क्योंकि इस बार आपका जो यू डी एल है वो पूरा एक्स डिस्टेंस तक है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, 4.5 इंटू एक्स इस बार,
क्योंकि पूरा का पूरा एक्स डिस्टेंस से यूडीएल फैला हुआ है और सेंट यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक्स बाई टू डिस्टेंस पे ये लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस 4.5 एक्स प्लस ये 12 किलोन्यूटन भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, प्लस 12 किलोन्यूटन। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड बिटवीन बी एंड सी। ये बी और सी में वैलिड होगी आपकी इक्वेशन, क्योंकि बी और सी के बीच में आपने सेक्शन लिया है। ठीक है, ए बी का तो ऊपर आपने इक्वेशन मिल ही गया है, और ये भी लाइन होगी। आप इक्वेशन देखिए, एक्स है तो ये भी लाइन होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग शियर फोर्स एट पॉइंट, देखिए बी पे तो हमने निकाल लिया दो दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सी बच रहा है तो सी निकालेंगे। तो सी के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट ए से कितनी दूर है, 4 मीटर पे, तो एक्स इक्वल्स टू 4 रखूँगा। तो प्लस 6 माइनस 4.4 इंटू 4 प्लस 12, तो ये कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि शियर फोर्स एट पॉइंट सी इज 0। ठीक है, तो हम सी पॉइंट तक पहुंच गए, ए से शुरू करके सी पॉइंट तक हमने इक्वेशंस निकाल ली और वैल्यूज़ निकाल ली कुछ कुछ पॉइंट्स की। तो अब हम ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम यूजिंग दीज डाटाज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सारे पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। जैसे ये पॉइंट आपका करस्पॉन्डिंग पॉइंट, दिस इज़ योर ए, दिस पॉइंट इज़ योर बी पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज़ योर सी पॉइंट, एंड हॉरिजॉन्टल ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए इज़ प्लस 6 किलोन्यूटन। तो जब प्लस 6 किलोन्यूटन है तो आई विल राइट हियर प्लस 6, कहीं पे भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए प्लस 6 है। ठीक है, और बी पॉइंट का मुझे पता है, बी पॉइंट पे दो वैल्यूज़ पता है मुझे, एक तो पहली है माइनस 7.5, तो पहली मैं माइनस 7.5 ड्रॉ कर लेता हूँ, माइनस 7.5, और दूसरी ही बी पॉइंट पे है प्लस 4.5, तो दूसरी ही बी पे है प्लस 4.5, तो मैंने 4.5 को भी ड्रॉ कर लिया, प्लस वाली को भी। लेकिन पहली कौन सी है, यूडीएल की वजह से कौन सी थी, माइनस 7.5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शियर फोर्स एट एक्स एक्स, यानी कि ए बी के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्वेशन इज लाइन। तो आई हैव टू ड्रॉ लाइन, एंड वी हैव टू पॉइंट्स, ए पॉइंट इज सी एंड बी पॉइंट इज माइनस, ए पॉइंट इज 6 एंड बी पॉइंट इज माइनस 7.5। आई हैव टू ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स विद अ लाइन। ठीक है, तो अब मैं एक लाइन से इनको ज्वाइन करूँगा। तो आई हैव ज्वाइंड दिस टू पॉइंट्स विद लाइन। ठीक है, अब अनदर वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट पॉइंट बी इज प्लस 4.5, यानी कि यहाँ पर एक 12 किलो न्यूटन शियर फोर्स की वजह से यहाँ पे सडन जंप है। तो यहाँ से मैं जंप लगाकर कहाँ पहुँचूंगा, 4.5 पे। नाउ आई हैव रीच्ड 4.5। ठीक है, 4.5 पे पहुँच गया। अब आते हैं आगे, शियर फोर्स एट पॉइंट सी तो 0 है, तो यहाँ 0 पे मैंने एक डॉट लगाया, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो बी सी सेक्शन है उसके बीच में जो इक्वेशन है वो कैसी है, इट इज़ अ लाइन। और B पे कितना पॉइंट पे आप पहुंच चुके हैं, 4.5 पे, और C पे कितने पे आना है, 0 पे, और इसको किससे जोड़ना है, लाइन से। तो मैं इसको एक लाइन से जोड़ दूंगा, स्ट्रेट लाइन से। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अब हम चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव है, और ये वाला पोर्शन आपका निगेटिव है, और ये वाला पोर्शन दोबारा से पॉजिटिव है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि शियर फोर्स ए बी सेक्शन के बीच में एक जगह 0 आ रहा है शियर फोर्स। ठीक है, ए बी सेक्शन के बीच में यहाँ पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो जहाँ भी जिस सेक्शन के बीच में शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, वहीं पे उस सेक्शन का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर मैक्सिमम होने वाला है ए बी सेक्शन का। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेयर ये जो पॉइंट है जहाँ पर शियर फोर्स 0 है वो कहाँ पर है, वो कितने डिस्टेंस पे ए से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो शियर फोर्स ए बी सेक्शन के बीच में जो हमने इक्वेशन लिखी थी, यानी शियर फोर्स एट एक्स एक्स जो हमने इक्वेशन थी हमारी 6 माइनस 4.5 एक्स, अगर इसको मैं इक्वल टू कर दूँ 0, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर शियर फोर्स 0 है। ठीक है, वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे x इक्वल्स टू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई
यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा निकल के 1.33 मीटर, यानी दिस पॉइंट इज 1.33 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए। और यहीं पे बेंडिंग मोमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, जब बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा। तो ये शियर फोर्स डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम कैलकुलेट करेंगे सेम एज इट इज़, जैसे हमने शियर फोर्स कैलकुलेट किया है वैसे ही बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, सेम टू सेम स्टेप्स होंगे, ठीक है। बस बेंडिंग मोमेंट इज़ क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो बस डिस्टेंस का रोल इसमें और आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, वी विल राइट सेम इन द मैनर जैसे हमने शियर फोर्स लिखा है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए निकालने के लिए मुझे ए पे खड़ा होना पड़ेगा। जब मैं ए पे खड़ा होऊंगा तो मुझे ए के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है और ए पॉइंट पे जस्ट 6 किलोन्यूटन का फोर्स है, और 6 किलोन्यूटन इंटू दैट डिस्टेंस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो ज़ीरो है, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज़ ज़ीरो। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेम जैसे मैंने पहले सेक्शंस लिए थे उसी तरीके से दोबारा से सेक्शंस लूँगा, जैसे मैंने शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए लिया था, ठीक है। तो उसी तरीके से दोबारा से हम सेक्शंस को लेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन हमने ए और बी के बीच में लिया था, तो ए और बी के बीच में सबसे पहला सेक्शन लिया था। इस बार भी हम ए और बी के बीच में सेक्शन लेते हैं एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। ये लेने के बाद इसका जो रिजल्टेंट है इतने पार्ट का यूडीएल का, वो कहाँ लगेगा और कितना लगेगा वो पहले भी देख चुके हैं, इस बार भी हम 4.45 इंटू एक्स, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी एक्स बाई टू। दूसरी बात, साइन कन्वेंशन हमें क्या लेना है, हमें साइन कन्वेंशन ये लेना है कि अगर आपने एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन देख रहे हैं तो क्लॉक वाइज मोमेंट विल बी पॉजिटिव, विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट विल बी टेकन एज निगेटिव। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है 6 किलोन्यूटन, और 6 किलोन्यूटन का क्या चीज़, 6 किलोन्यूटन का मोमेंट आपको लेना है अबाउट एक्स एक्स लाइन। तो ये ऐसे घुमाएगा, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, कितने अमाउंट से घुमाएगा, 6 इंटू एक्स, यानी 6 और xx के बीच में कितना डिस्टेंस है x, तो 6 इंटू एक्स। तो बेंडिंग मोमेंट फॉर द सेक्शन अबाउट सेक्शन xx विल बी रिटन एज प्लस इंटू 6 इंटू एक्स। उसके बाद आपका फोर्स लग रहा है 4.5, यानी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ UDL इज एक्टिंग एट x बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम xx 4.5 इंटू एक्स। तो फोर्स हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो माइनस लगा देंगे 4.5 इंटू एक्स, तो फोर्स हो गया इंटू डिस्टेंस कितनी है xx से, x बाई टू। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन जो आ गई वो आ गई 6x माइनस 4.5 बाई टू एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी किस चीज़ की, पैराबोला। और ये जो एक्स एक्स सेक्शन है ये वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बी तक आपका ये वैलिड है, ठीक है। अब बी पे आप देखोगे कि यहाँ पे बी पे आपका एक फोर्स लग रहा है 12 किलोन्यूटन का। तो अब बी पॉइंट का अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालने जाऊँगा और इस मोमेंट का अगर मैं मोमेंट, इस फोर्स का अगर मैं मोमेंट लूँगा तो क्या ज़ीरो ही आएगा, यानी कि अगर मैं बेंडिंग मोमेंट पहले निकाल लेता हूँ एट पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ दिस अबव इक्वेशन, तो उसके लिए मुझे x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 3, ठीक है, x इक्वल टू 3 लिखना पड़ेगा। तो 6 इंटू 3 माइनस 4.5 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 2.25 किलो न्यूटन किलो न्यूटन मीटर,
किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट निकालूं वहां खड़ा होकर भी, जैसे मैंने पिछली बार निकाला था शियर फोर्स के केस में, तो जो 12 किलो न्यूटन है उसका जो मोमेंट आएगा एट पॉइंट बी इज जीरो बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो कोई मतलब नहीं है दोबारा से बेंडिंग मोमेंट निकालने का, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं बी पॉइंट को, हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन जो होने वाला है हमारा वो होगा आपका बी सी पोर्शन के बीच में, ठीक है। अब बी सी पोर्शन के बीच में हम सेक्शन लेंगे और देखेंगे कि वॉट विल हैपन, ठीक है, क्या होता है ये हम देखेंगे, क्या इक्वेशन निकल के आती है और उससे क्या क्या वैल्यूज हमें मिलती है, ठीक है। तो इस बार हम कहाँ सेक्शन लेने वाले हैं, यहाँ पर बी सी पोर्शन के बीच में, जैसे पहले लिया था एक्स वन एक्स वन, इस बार भी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमने सेक्शन ले लिया। तो सेम वही सिनेरियो है, इसका जो रिजल्टेंट होगा 4.5 किलो न्यूटन वाले का, उसका आपका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर 4.5 इंटू एक्स, बिकॉज एक्स लेंथ तक ये यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली एक्स बाई टू, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट बीच में लगता है, यानी एक्स डिस्टेंस तक लग रहा है तो एक्स बाई टू पर लगेगा ये रिजल्टेंट। अब हम बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं, किसका, बेंडिंग मोमेंट ऑफ सेक्शन एक्स वन पोर्शन एक्स वन एक्स वन। तो पहले तो अपने आप हो जाएगा 6 इंटू एक्स, 6 इंटू दिस डिस्टेंस एक्स, क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव, फिर 4.5 इंटू एक्स बाई टू, और एंटी क्लॉक वाइज है इसलिए निगेटिव, 4.5 एक्स इंटू एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ठीक है। और उसके बाद ये 12 किलोमीटर वाला फोर्स भी आ गया है, और 12 किलो न्यूटन वाला फोर्स आ गया है, ये घुमाएगा इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितनी है ये वाली डिस्टेंस कितनी है आप देख सकते हो, दिस होल डिस्टेंस इज एक्स, और बी तक आपका है क्या 3 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला डिस्टेंस एक्स माइनस थ्री, यानी कि माइनस नहीं प्लस, क्योंकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, यानी कि 12 इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपका एक्स वन एक्स वन का, ये भी आपका पैराबोला का ही इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, 6x माइनस 4.5 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस 12 एक्स माइनस 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 4.5 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस 36, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है इसमें। तो अब देख लेते हैं ये पोर्शन कौन से कहाँ तक वैलिड होगा, ये बी से सी के बीच में वैलिड होगा। तो यहाँ से मैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी तो निकाल चुके हैं, सी पे निकालते हैं। तो सी पे निकालने के लिए एक्स इक्वल्स टू मुझे 4 रखना पड़ेगा, तो 18 माइनस 4.5 इंटू 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 36। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल 0, बी सी के बीच में पैराबोला है, ए बी के बीच में पैराबोला है, ठीक है। बी पॉइंट का मुझे पता है कि माइनस 2.5 है, ए पॉइंट का मुझे पता है 0 है, सी पॉइंट का 0 है। नाउ वी विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हो गया आपका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है और पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं हम लोग उसी तरीके से जैसे ऊपर किया था, ए हियर, बी और हियर सी, ठीक है। ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है और सी पॉइंट पे सॉरी बी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट है माइनस 2.5, तो मैं यहाँ कहीं माइनस 2.25 किलो न्यूटन मीटर लिख देता हूँ, ये आपका यहाँ पर पी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने बोला ना कि जहाँ पर आपका शियर फोर्स 0 है ए बी सेक्शन में, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी है। और आपको कर्व कैसा बनाना है ए से पी के बीच में, ए से पी के बीच में जो इक्वेशन है वो पैराबोला है, निगेटिव पैराबोला बनाना है। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम होना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैक्सिमम एक कहीं पर भी पॉइंट ले लूँगा, दैट इज़ मैक्सिमम। उसके बाद पैराबोला, निगेटिव पैराबोला मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगा कि ये अंत में जाकर पॉइंट
बीम यानी माइनस 2.25 पे मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया ए बी पोर्शन के बीच का आपका पैराबोला, नेगेटिव पैराबोला। और हाईएस्ट पॉइंट मैंने कहाँ बना रखा है, जस्ट इसके नीचे जहाँ पर शेयर फोर्स जीरो था, यानी 1.33 मीटर पे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। सी पॉइंट पे तो जीरो है आपका, तो जीरो पे मैंने यहाँ कर लिया। बी पॉइंट का मुझे पता है और बी सी के बीच में दोबारा से पैराबोला है और वो भी कैसा, निगेटिव। तो निगेटिव पैराबोला यहाँ ऐसे बना दिया। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर में बी सी सेक्शन में जीरो, बी सी के बीच में कहीं जीरो नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कर्व बना दिया, नहीं तो मैं उल्टा ऐसे बनाना पड़ता। ठीक है, हाईएस्ट करने के लिए तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ही हमने जोड़ दिया निगेटिव पैराबोला। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देख लेते हैं इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या पॉइंट्स है। यहाँ पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, दिस पोर्शन इज निगेटिव। ठीक है, अब आप देख लेते हैं, ये हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर, ए बी सेक्शन में बीच में, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैक्सिमम है बेंडिंग मोमेंट। और ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स इक्वल्स टू 1.3 पे, और ये ए बी पोर्शन है। तो ए बी पोर्शन वाला जो इक्वेशन था बेंडिंग मोमेंट का, ए बी पोर्शन का जो इक्वेशन है वो है 6x - 4.5x² / 2। तो अगर मैं इसमें x = 1.33 रख दूँ तो आपको ये मैक्सिमम वाला बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ये आपको मैक्सिमम वाला बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने अगर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, मान लीजिए इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ डी पॉइंट, तो मुझे डी पॉइंट का निकालना है, तो मैं रख दूंगा यहाँ पर, तो 6 × 1.33 - 4.1/1.3² यहाँ से मेरा बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम वाला है वो निकल के आ जाएगा 4 किलोन्यूटन, 4 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, यानी कि ये है आपका 4 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये तो आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बट दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज चेंजिंग इट्स शेप फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव शेप चेंज कर रहा है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ये पॉजिटिव से निगेटिव में शिफ्ट हो रहा है, तो दैट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। एंड वी नो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है ज़ीरो। ठीक है, यानी कि जो ए बी के बीच में हमने जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली 6x - 4.5x² / 2, अगर इस इक्वेशन को मैं ज़ीरो के बराबर रख दूँ तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन, यानी अगर मैं मान लूँ कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर फ्रॉम ए पॉइंट इज़ वाई, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, वाई हमें पता चल जाएगा, मतलब लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन में 6x - 4.5x² / 2 वाली इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, जीरो को पुट करूँगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके निकल के 2.67 मीटर, और यही आपकी वाई की वैल्यू है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कितनी दूरी पे है वाई पॉइंट ए से, वो मुझे पता चल जाएगा। यानी वी हैव लोकेटेड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर वेयर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो और बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग इट्स साइन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर की डिस्टेंस हो गई आपकी y = 2.67 मीटर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी ने पूछा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई 4 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स पूछा जाए या किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए तो आप बता सकते हो बाय गेटिंग दैट डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपने शियर फोर्स डायग्राम, ये है ऊपर और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे, आपने ड्रॉ कर दिया, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम को भी आइडेंटिफाई कर लिया, और आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos.